थाना क्षेत्र के माइका कॉलोनी में आज 6 जून को दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट की सूचना मिली है, जिसमें यदुवंशी नगर की माइका कॉलोनी के राम यादराय के पुत्र मुकेश कुमार उर्फ गोपी हैं, इनके पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और इस मामले में आवेदन प्राप्त करके प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की। नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से जमीनी विवाद को लेकर गोलियां चलने की बात निकलकर सामने आई है। दरअसल मामला पटना के दीघा थाना क्षेत्र का है, जहां पे दिन दहाड़े एक युवक को घर में घुसकर गोली मारने का मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। ये पूरे मामले की जानकारी देते हुए DSP दिनेश कुमार पांडे ने साफ तौर पर बताया है कि ये पुराना विवाद में गोली चला है, जिसमें पूर्व मुखिया पुत्र को गोली मारी गई है। हालांकि उसकी स्थिति अभी बेहतर है, पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नक्का दियारा के रहने वाले परमेश्वर राय पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है और इस बाबत कहीं ना कहीं एक युवक को गोली लगी है, जिसके पड़ताल में अब पटना पुलिस जुट चुकी है। दरअसल अगर बात करें हम इस पूरे मामले की, तो दीघा थाना क्षेत्र में आज गुरुवार की तड़के सुबह में ये पूरा विवाद हुआ था, जहां पे गोली चलने की बात निकलकर सामने आई है। आइए सीधे सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं DSP दिनेश कुमार पांडे। थाना क्षेत्र के माइका कॉलोनी में आज 6 जून को दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट की सूचना मिली है, जिसमें यदुवंशी नगर की माइका कॉलोनी के राम यादराय के पुत्र मुकेश कुमार उर्फ गोपी हैं, इनके पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और इस मामले में आवेदन प्राप्त करके प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। विवाद का कारण क्या है सर? इन्हों का जो है जमीनी विवाद पूर्व से चल रहा है, इसी को लेकर कितनी गोली लगी, इसके बारे में हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि कितनी गोली, कहां पे गोली लगी है, पैर में, घुटना के नीचे लगी। बाहर है दो तीन दिन पहले। हाँ, अभी लाख में है। उससे जुड़ा मामला है? नहीं, वो जो मामला अलग है। क्या हुआ था, क्या घटना घटी है? अभी हम लोग घर से बाहर थे, घर से बाहर थे तो हमारा घर का माँ बहन सब फोन की, तो वो लोग जाके अपराधी किस्म का आदमी है, बिमल परमेश्वर राय, धर्मेंद्रा सब है, ठीक, सुधीर सीताब राय, चॉकलेट राय भी है, जिससे हमको दो दिन तीन दिन पहले मामला हुआ था, श्याम बहादुर। वो लोग आज तक हमारा घर पे कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तीन दिन पहले श्याम बहादुर का घर पे प्रोटेक्शन दिया गया है STF, लेकिन हमारे घर पे आज तक प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है, जिस तरह से जमीनी विवाद को लेकर ये गोलियों चलने की बात निकलकर सामने आई है, उसमें पुलिस की तहकीकात जारी है। पूरा दीघा इलाका अब पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आक्रोशित लोगों ने बीच सड़क आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया था, जिसको यातायात को बाधित से हटाने के लिए पटना पुलिस लगातार प्रयास करती नजर आई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।